हेलो गाइस, कैसे हैं आप? दोस्तों आपका डेली फॉर टेक की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी C2 या फिर रेडमी 8A, इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। रेडमी 8A इंडिया में कल ही लॉन्च हुआ है, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि हमारे लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा। क्या पता आप लेने की सोच रहे हो रियलमी C2 या फिर रेडमी का 8A। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे आपको पता चल जाए कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा नहीं, और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आप कौन सा फ़ोन लेना चाहिए आपको। तो बिना टाइम वेस्ट इस वीडियो शुरू करेंगे। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर ही दीजिए इस चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा, और लाइक और कमेंट आप कर ही दीजिए कौन सा फ़ोन आप लेने वाले हैं इस वीडियो के बाद। तो चलिए उससे शुरू करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके कर लीजिए। @JayInfoTech हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जाके @JayInfoTech_ ये हमारा यूजर नेम है ट्विटर पे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो इन दोनों में मैं सीधा डायरेक्ट डिफरेंस बताने वाला हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस है इन फोन में, एंड दोनों का साइड बाय साइड कंपेयर करता चलूंगा मैं, जिससे ही आपको बेटर आइडिया लगे कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले की बात करें अगर हम, तो रियलमी C2 में यहाँ पे आपको 6.1 इंच की एक 720p की IPS पैनल मिल रहा है, जो कि HD+ के रेजोल्यूशन के साथ में आता है, और यहाँ पे आपको ड्यू ड्रॉप स्क्रीन दी गई है। यहाँ पे दोस्तों कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। वहीं अगर मैं Redmi के 8A की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर दिया गया है, 6.22 इंच की एक स्क्रीन दे दी गई है। यहाँ पे भी सेम 720p का IPS डिस्प्ले है HD+ रेजोल्यूशन के साथ में, और यहाँ पे भी आपको डॉट नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, यानी वही है यार, वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आपको कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। दोस्तों ये है इनका डिस्प्ले का मेन डिफरेंस, यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 और 3 में डिफरेंस है। रियलमी C2 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, यहाँ पे रेडमी 8A में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बेटर प्रोटेक्शन मिल रही है रेडमी 8A में। दोस्तों अगर बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे आते हैं प्रोसेसर की अगर बात करें तो यहाँ पे रियलमी C2 में आपको मिल रहा है मीडिया टेक का हीलियो P22 प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 2 GHz तक उसकी क्लॉक स्पीड है। वहीं अगर रेडमी के 8A में बात करें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, जो कि 439 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ये भी आपको 2 GHz की स्पीड पर मिल जाता है। दोस्तों प्रोसेसर के मामले में दोनों में ही अच्छा प्रोसेसर है, मतलब कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं मिलेगा। हाँ, आपको अगर स्नैपड्रैगन की प्रेफरेंस आपकी ज़्यादा रहती है, अगर आपको क्वालकॉम के प्रोसेसर पसंद आते हैं तो रेडमी 8A के लिए आप जाइए, वरना अगर आपका काम चल जाएगा मीडिया टेक के P22 से भी तो आप रियलमी C2 भी ले सकते हैं। हालांकि पहले सारे पॉइंट देख लीजिए, सर लास्ट में कंफ्यूजन बताने वाला हूँ कि कौन से फ़ोन में ज़्यादा आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों बात करें अगर अगली चीज की, तो यहाँ पे एंड्रॉइड 9 पाई पे वर्क कर रहे हैं दोनों ही फोन, और दोनों में कस्टम स्किन्स है MIUI और यहाँ पे रियलमी का कलर OS। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, जो सा आपको मतलब यूजर इंटरफेस जिसका आपको सही लगता हो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैमरास की बात करें तो यहाँ पे डुअल रियर कैमरा मिल जाता है आपको रियलमी C2 में 13+2 मेगापिक्सल का, जो कि आता है नॉर्मल CMOS सेंसर के साथ में। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें रेडमी के 8A की, तो यहाँ पे आपको कमाल कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे सिंगल रियर कैमरा दिया है 12 मेगापिक्सल का, बट यहाँ पे जो सेंसर लगा दिया है दोस्तों पोको F1 वाला लगा दिया है यहाँ पे, सोनी का IMX363, तो मतलब कमाल कर दिया है। फोटोज काफी ज्यादा अच्छी आने वाली है इस सेंसर के साथ में, इस फोन में काफी ज्यादा बढ़िया कैमरा है इसमें भी, तो मतलब कैमरा के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस बार इस फोन में, मतलब इसका प्राइस जो है ना उस हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा कैमरा दिया है। उसके बाद दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे रियलमी C2 में आपको 5 मेगापिक्सल का मिल रहा है वही CMOS सेंसर के साथ में। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट मेगापिक्सल रेडमी के 8A में आपको मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का वही CMOS सेंसर के साथ में, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पता चलेगा आपको फ्रंट कैमरा में। हाँ, थोड़ी बहुत मतलब जो उनका अंदर का काम करने वाला सॉफ्टवेयर वगैरह जो होता है, जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसमें फर्क देखने को मिलेगा, बाकी पिक्चर क्वालिटी में आपको ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा फ्रंट कैमरा में। उसके बाद दोस्तों बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी आपको मिल रही है रियलमी C2 में, एंड दोस्तों यहाँ पे वहीं पे आपको रेडमी 8A में मिल रही है 5000 mAh की बैटरी। दोस्तों कमाल कर दिया, यहाँ पे बैटरी भी काफी ज्यादा तगड़ी डाल दी है इस रेडमी 8A में, मतलब काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें डाल के इस फोन को बना दिया है। और दोस्तों चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे डुअल वोल्टी का सपोर्ट दोनों ही फोन में मिल जाता है, एंड यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की बात करें तो दोस्तों रियलमी C2 में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, हालांकि
रेडमी 8A में आपको 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, बट बॉक्स में आपको 10 वोल्ट का चार्जर मिलेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कुछ इस तरह से आप बैटरी चार्ज करवाएंगे। तो मतलब अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए अपने फ़ोन में तो यहाँ पे रेडमी 8A में आप अगर अलग से खरीद सकते हैं 18 वोल्ट का चार्जर एंड उसको फास्टली चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, यहाँ पे स्प्लैश प्रूफ कोटिंग दोनों में ही दी गई है, दोनों ही फ़ोन आपके थोड़ी बहुत बारिश वगैरह से बच जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ऐसी। उसके बाद सेफ्टी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है, फेस अनलॉक है दोनों में जो कि अच्छे से काम कर जाता है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, दोनों में से मतलब कोई भी ले सकते हैं अगर आप सिक्योरिटी के मामले में देखते हैं। तो उसके बाद दोस्तों एम्बिएंट लाइट सेंसर की बात आती है, यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे यूजर्स पूछते हैं कि हमें लाइट सेंसर चाहिए हमने फ़ोन में, जैसे ही हमारी नोटिफिकेशन आए तो हमें पता चले, एंड काफ़ी अच्छी भी लगती है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है लाइट सेंसर। तो यहाँ पे Realme C2 में आपको कोई लाइट सेंसर नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे जो Redmi का 8A है उसमें आपको लाइट सेंसर दिया गया है। तो यहाँ पे MI वैसे अपने मोस्ट ऑफ द फोन में देता है लाइट सेंसर, में भी Realme भी इन फ्यूचर ले आए लाइट सेंसर का ऑप्शन भी अपने फोन में, बट फिलहाल Realme C2 में नहीं है आपको लाइट सेंसर। उसके बाद दोस्तों चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट मिलता है आपको Realme C2 में, वहीं Redmi 8A में मिल जाता है आपको Type-C पोर्ट। मतलब क्या क्या नहीं डाला यार इस फोन में, सब कुछ दे दिया, 5000 mAh की बैटरी, बेटर कैमरा, एंड यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 439 जो कि काफ़ी सही प्रोसेसर है, इसके प्राइस के हिसाब से प्राइस भी बताऊंगा अभी आपको। उसके बाद गोरिल्ला ग्लास 5 भी दे दिया यार, कमाल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग दोस्तों यहाँ पे Realme C2 की, अब जो बिग बिलियन डे आ रहे हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट के, उसमें से दोस्तों जब अब से स्टार्ट हो जाएगी उसकी जो प्राइसिंग है, तो 2GB प्लस 32GB वाले वेरिएंट की है 6000 रुपये से स्टार्टिंग, और 3GB प्लस 32GB की है 7000 रुपये। तो मतलब ये दो वेरिएंट है Realme C2 के जो आपको देखने में मिलेंगे फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे के बाद से, मतलब ये अभी से स्टार्ट हो जाएंगे ये तो इन दो वेरिएंट। पहले दो दूसरे वेरिएंट आते थे, पहले 2GB 16GB वाला था 6000 का, अब 2GB 32GB वाला कर दिया 6000 रुपये का, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको 3GB 32GB वाला मिल जाता है 7000 रुपये का। वहीं अगर Redmi के 8A की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों 2GB 32GB वाला वेरिएंट आपको मिल रहा है 6500 रुपये का, यहाँ पे 6499 रुपीज़ का आपको ये Redmi का 8A Pro मिल रहा है 2GB 32GB वाला है। यहाँ पे 3GB 32GB वाले की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मिल रहा है आपको 7000 रुपये का वही सेम। तो मतलब प्राइसिंग के मामले में दोनों ही काफ़ी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, बस 500 रुपये Redmi के 8A में ज़्यादा है, बट यहाँ पे दोस्तों आपको फिर फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा कमा के मिले। अब मैं दोस्तों कंक्लूजन बताता हूँ आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए अपने हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। दोस्तों अगर आपको डुअल कैमरा अच्छे लगते हैं, मतलब आपको अच्छे लगते हैं डुअल कैमरा अपने फ़ोन में, और आपको डुअल कैमरा वाला फ़ोन चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कैसा ही हो, तो कोई भी हो, मतलब Realme C2 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स भी मिल रहे हैं, यहाँ पे गेमिंग भी आप अच्छी खासी कर लेंगे पबजी में, और बाकी सारे कैमराज क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा सही है, इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल जाती है, तो आपके लिए फिर Realme C2 बनाए। अगर आपको दोस्तों सिंगल कैमरा से चल जाएगा बट बेटर पिक्चर क्वालिटी आपको मिल रही है सिंगल कैमरा के साथ में, और आप उससे मतलब आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए Redmi 8A बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फोन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल रही है, 12MP रियर कैमरा मिल रहा है जो कि आता है सोनी के IMX363 सेंसर के साथ में। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट में आपको 8MP का सेंसर मिल रहा है, हालांकि दोनों के फ्रंट कैमरे में कोई खास आपको डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी मिल रही है 5000 mAh की, तो अगर आप बैटरी प्रेफरेंस को भी देखें तो Redmi का 8A आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए तो Redmi 8A अगर आपका चल जाता है नॉर्मल चार्जिंग से तो Realme C2 भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको प्राइसिंग की बात करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम है, प्राइसिंग में दोस्तों काफ़ी कमाल है, मतलब 500 रुपये अगर आप कम देना चाहते हैं, 6000 रुपये आपका बजट है, एकदम मैक्सिमम आप 6000 रुपये ही लगा सकते हैं, तो Realme C2 एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन बन जाता है इस प्राइस में। अगर आप दोस्तों 500 रुपये और दे सकते हैं उसके फ़ोन के लिए अपने, मतलब 6500 रुपये आप लगा सकते हैं किसी नकली कर के, तो Redmi का 8A भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहा है इस फोन को, मतलब काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है, एंड कलर्स वगैरह दोनों में काफ़ी कमाल मिल जाते हैं, उसमें आपको ऑरा डिज़ाइन मिल जाता है Redmi 8A में, और Realme C2 में आपको मिल जाता है डायमंड कट डिज़ाइन, तो ये दोनों डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर प्राइसिंग में मतलब आपको बता ही दिया, 500 रुपये आपको बेस वेरिएंट में ही ज़्यादा मिल रहे हैं,
ज्यादा देने पड़ेंगे, मतलब Redmi के 8A के लिए। अगर आपको 3G 32GB वाला मिल रहा है तो दोनों की प्राइसिंग सेम है, आप कोई भी फोन ले सकते हैं, बेस्ट मतलब दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे हैं। बट आपको थोड़ा Realme C2 5 महीने पहले लॉन्च हुआ था यार, तो थोड़ी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आपको Redmi 8A में देखने को मिल रही है, सिंगल कैमरा के साथ है, बट यहाँ पे काफी अच्छी चीजें आपको मिल रही है, मतलब ऑलराउंडर पैकेज बना दिया इसको यार। हालांकि कहीं कहीं कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है कंपनी को, तो Redmi 8A आप बेशक से लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यू चॉइस मिल रही है, न्यू ऑप्शन मिल रहा है और काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ मिल रहा है। तो बस यही था, मुझे उम्मीद है आपको एक कंपैरिजन या फिर आपके लिए एक वीडियो बनानी थी मुझे, जिससे कि आपका डाउट सारा क्लियर हो जाए इन दोनों फोन के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो लाइक करें, उसको शेयर कर देना आप दोस्तों से, चैनल का सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आती रहे। तो फिलहाल के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद आपके।